तो सबसे पहले आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे और हम सभी एकदम बढ़िया हैं। तो स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में, नए दिन और नई शुरुआत के साथ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। तो 7:30 बज चुके हैं और हमारे यहाँ पर ना आज हल्की हल्की बारिश हो रखी है। तो मैं जा रहा हूँ। और दोस्तों, बारात जो है, जो हमारे गाँव में शादी है, तो बारात निकल चुकी है दुल्हन को लाने के लिए। और साथ ही साथ पहाड़ियों में हल्की हल्की बर्फ पड़ी हुई है और ना आज धूप मुश्किल से ही होगी क्योंकि बादल आए हैं आसमान में काफ़ी ज़्यादा। तो देखते हैं कितनी बारिश होगी। वैसे तो मौसम आज ना पूरा दिन ख़राब ही बताया और साथ में आज बारिश भी बताई है, तो देखते हैं कितनी होगी। तो दोस्तों, आधे लोग जा रहे हैं अभी मनीष वगैरह तैयार होके, और इन्होंने ना स्वेटर ही नहीं पहनी है। आज ना हमारे हिमाचल में शाम से बारिश हो रही है। रात को तो थोड़ी सी बारिश हुई लेकिन आज ना सुबह ही बारिश पड़ गई है। तो कुछ इस तरह से मौसम हो रखा है आज। तो बारिश के साथ साथ ना हल्की हल्की हवा भी चली हुई है और कुछ इस तरह से अच्छा सा मौसम हो रखा है। और हमारे घर के सामने वाली पहाड़ियों पे ना बर्फ़ पड़ रहा है, तो वहाँ की साइड ना हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो शाम को भी बर्फ़ पड़ी थी उन पहाड़ों में, तो हमने तो सोचा था कि बारिश होगी नहीं अब की बार, लेकिन हमारे महादेव जी को ना दया आ गई हिमाचलियों पर। तो वैसे तो बुजुर्गों का कहना है कि अब बारिश पड़ने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि कई कई लोगों ने तो दोस्तों गेहूं भी नहीं बोई है अभी तक। तो हमारी गेहूं भी ऐसे ना एकदम पीली पड़ रखी है, तो अब तो क्या ही होगा, इतना फसल नहीं आएगी अब की बार। लेकिन हाँ, गाय वगैरह को घास हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर और बीच बीच में आपको बारिश की अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे गांव के बुजुर्गों को देखो आप, इतनी जोरों की बारिश पड़ी है और अभी भी देखो बान कगडोलू लेके ना इतनी बारिश में आ रहे हैं। मस्तक उनका भी झुकेगा अहंकार, उनका भी टूटेगा, तू बस शांत रहकर बढ़ता चल अपनी मंजिल की ओर। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा। मुझे पता नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है कि अगर गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझेगी दुनिया, लेकिन अगर गुलाम बनाओगे तो सलाम ठोकेगी दुनिया। तो चलिए जी, मैंने अपने गौशाला का सारा काम निपटा दिया है। तो और घास का एक डोलू भी ले आई हूँ मैं, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने छलट्ठा भी लाया है। तो जो सूखा सूखा था तो उसको मैंने अंदर रख दिया है कमरे में, और जो गीला हुआ था बारिश से तो उसको मैंने ऐसे सूखने के लिए रख दिया है यहाँ पर टीन के नीचे। तो
अब ना मुझे काफ़ी अच्छा सा लग रहा है क्योंकि मेरी गौशाला का काम ना लगभग ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं गौशाला में सिर्फ गाय का दूध निकालने के लिए आऊँगी शाम को, क्योंकि आज ना बारिश पड़ी हुई है तो इसकी वजह से इनको मैंने ना आज अंदर ही छोड़ा है अपनी गाय वगैरह को, और इनको साथ ही साथ घास भी डाल दिया है, दिन का घास भी मैंने डाल दिया है इनको इकट्ठा ही। तो अब आऊँगी मैं शाम को दूध निकालने के लिए। तो चलिए चलती हूँ अब, और बारिश ना पड़ रही है लगातार सुबह से, और दोस्तों साथ ही साथ ना मेरे कपड़े वगैरह भी गीले हो चुके हैं क्योंकि मैंने घास लाया है ना, तो घास भी गीला था, पेड़ भी गीले थे। तो जब तक ना घास ना लाए ना तब तक तो ऐसा होता है कि अभी हमारा काम अधूरा ही है। तो अब घास ले आई हूँ और अब फ्री हो चुकी हूँ, अब अच्छा सा फील हो रहा है। तो चलिए चलती हूँ अब घर के लिए और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। दोस्तों पहले जब ऐसी बारिश होती थी सर्दियों के मौसम में, तो उस वक्त ना कद्दू की खीर बनाई जाती थी, मतलब जो पके हुए कद्दू होते हैं तो उनको चावल में डालकर साथ में गुड़ डालकर या शक्कर डालकर और साथ में हरे धनिए के पत्ते डालकर दूध डालकर खीर बनाई जाती थी, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती थी क्योंकि बर्फ़ वगैरह पड़ता था ना पहाड़ों में। तो हमारे बुजुर्गों का यह कहना था कि अगर ये वाली खीर खाएंगे तो आपके शरीर को ना ठंड नहीं लगेगी जल्दी से, तो इसलिए बनाई जाती थी कद्दू की खीर। तो दोस्तों आप सब ना कमेंट करके बताना मुझे कि किस किस के यहाँ पर कद्दू की खीर बनती थी। तो चलिए जी, अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुक गई है और हल्का हल्का ना आसमान साफ भी हो चुका है, तो आज ना जम के बारिश हुई। तो चलिए जी, टाइम शाम के 5 बजे हैं और अभी तक ना अर्जुन नहीं आया स्कूल से, तो उसका मुझे फ़ोन आया था, उसने कहा कि मम्मी मेरे से ना 4 बजे वाली गाड़ी छूट गई, तो अब वो आएगा 5 बजे वाली गाड़ी में। और बाहर ना बारिश कंटिन्यू सुबह से लगी हुई है, तो ठंडी ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी मैं जाऊँगी अपनी गाय को घास डालने के लिए, तब तक अर्जुन भी आ जाएगा स्कूल से। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर बाद। तो चलिए जी, शाम होते होते ना सारे बादल आसमान से ज़मीन पर उतर आए हैं और काफ़ी शांत सा माहौल हो रखा है, और हमारी तैयारी ना अब हो चुकी है गौशाला जाने की। तो चलते हैं जल्दी से गौशाला और फिर मिलते हैं आपसे। सामने वाली हिमालयाज की पहाड़ियाँ जो है सारी बर्फ़ से ढक गई है, और अभी भी ना इनमें बर्फ पड़ ही रहा है, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर भी ना बिजली गरजने की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब कि बर्फ़ पड़ने के आसार हमारे यहाँ पर भी है, और मौसम ना एकदम से ख़राब हो चुका है। तो मुझे लगता है ना कि बर्फ़ पड़ ही जाएगी हमारे यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, अभी अभी हमारे यहाँ पर ओले गिरना स्टार्ट हो गया है, तो अब तो ना बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ ही जाएगी हमारी चोटियों में ऊपर ऊपर, और ना काफी जोरों की बारिश पड़ी हुई है। तो चलिए, महादेव की कृपा से ना हमें भी अब की बार बर्फ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, दूल्हा भी दुल्हन को लेके आ चुका है। तो चलिए जी, अब खाना पीना खा के हम कमरे में आ चुके हैं, और अभी के लिए ना मुझे कमरे में काफ़ी ज़्यादा कपड़ों की तय करने को है। और यहाँ पर अर्जुन देख रहा है अपना, क्या देख रहा है? छोटे कपड़े, अब तो मेरे को आएंगे भी नहीं।
तो दोस्तों ये वाला कोट ना, ये जो ड्रेस है, ये सबसे पहले बासु की थी, मतलब मेरे भतीजू की, तो फिर उसको छुट्टी पड़ गई, तो उसके बाद इसको अर्जुन ने पहना। अब अर्जुन को भी ये छोटा हो गया है और काफी क्यूट सी ड्रेस है। तो बताना आपकी कैसा है ये ड्रेस, कैसी है? तो देखो दोस्तों, तो बहुत ही प्यारी ड्रेस है, तो मुझे भी बड़ी अच्छी लगी थी ना, तो ये मेरे भतीजू की थी। तो ये वाली ड्रेस ना मेरे डैडी ने ली थी मेरे भतीजू के लिए, तो ना काफ़ी क्यूट सा लगता था जब वो छोटा था, तो फिर मुझे ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो फिर ये अर्जुन के लिए ले आई मैं। और अर्जुन पता है अभी अभी क्या कह रहा था, क्या कह रहा था अर्जुन, ये पापा के साथ दिखी है ये। क्या कह रहा था? मैंने सोचा है नीचे को थी झूली हुई ना, मैंने सोचा भी तो बड़ी होगी है पापा की कोट है। दोस्तों ये कह रहा था अभी अभी ना, मुझे बड़ी हंसी आई इसकी, ये कह रहा था ना कि मम्मा ये पापा के शादी का कोट है, तो मुझे इतनी हंसी आई ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ये पापा के, इसके पापा को मैंने इसको कहा ना कि पापा को क्या गोदी में पापा की शादी करवाई है। तो ये जब बासु ना तीन चार क्या 4-5 साल का था ना, तब बुलाया था उसके लिए, और फिर इसको ना अर्जुन ने पहना है, और मुझे ना बड़ी ही प्यारी लगती है ये वाली ड्रेस, तो मैंने इसको ना संभाल के रखा है। तो फिर देखूंगी जब अर्जुन का लड़का होगा ना, तो उसको पहनाऊंगी मैं इसको। क्यों क्यों? हाँ अच्छा है, इतना प्यारा सा है, ऐसा लग रहा है कि दूल्हे के कपड़े हैं, तो इसको ना अच्छे से संभाल के रखूंगी। और साथ ही साथ मैंने अपनी यहाँ पर साड़ियाँ वगैरह ना, इनको मैं अटैची में डाल के रखूंगी, क्योंकि यहाँ पर ना अलमारी में कपड़े ही अच्छे से सेट नहीं होते हैं, तो मैं कब से सोच रही थी, तो अब मैं ना अच्छे से सेट कर ही देती हूँ अलमारी। और ये वाला कवर तो मेरा अलमारी का ना पूरा का पूरा, मेरे पर्स, हैंडबैग और मोबाइल के बैग से भरा है, तो ये वाला कवर तो ना मेरा पूरा मेरे पर्सों से ही भरा है। और यहाँ पर कपड़े आए हैं और नीचे थोड़ा बहुत सामान रखा है मैंने, तो साथ ही साथ ना वहाँ पर मैंने कपड़े धो के लाए हैं, तो ये सारे तय किए हैं अभी अभी। तो चलिए जी जल्दी से करती हूँ अपने कपड़े वगैरह की तय, और इसके बाद मैं सीधा ना सो जाऊंगी आज जल्दी से, क्योंकि ठंडी काफी ज्यादा है, तो हमारे यहाँ पर तो ना ओले गिरना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन अब ना आसमान एकदम साफ हो गया है और ना तारे आ चुके हैं ऊपर आसमान में, तो पता नहीं अब बारिश होगी कि नहीं, तो देखेंगे। अगर बारिश होगी तब भी ठीक है, नहीं होगी तब भी ठीक है, क्योंकि ऐसे भी ना कल से बारिश पड़ रही थी पीछे वाले शाम से, तो लगभग अच्छे से बारिश पड़ चुकी है। तो चलिए करते हैं इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे जल्दी आगे वाले ब्लॉग में, तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि, और आप सब अपना ख्याल रखना। जी हाँ दोस्तों, बाय।